और बात बिहार की, जहां पर चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को बड़ा झटका लग गया है। आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रघुवंश प्रसाद की चिट्ठी की आड़ में बीजेपी और जेडीयू अब लालू परिवार पर निशाना साध रही है। बत्तीस साल तक लालू यादव के हमसाया रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने भारी मन से आरजेडी को अलविदा कह दिया। कोरोना के कारण एम्स में भर्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू को चिट्ठी लिखकर अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री से आहत थे। दिल्ली एम्स से रांची रिम्स में भर्ती लालू यादव के नाम अपने पत्र में रघुवंश प्रसाद सिंह ने लिखा। जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 सालों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजनों ने मुझे बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें। रघुवंश बाबू के शब्दों से साफ है कि अब वो अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। मान मुनव्वल की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। कद्दावर नेता के इस्तीफे से आरजेडी में मायूसी है, तो वहीं जेडीयू और बीजेपी की बाँछें खिल गई हैं। रघुवंश सिंह के बहाने पूरा एनडीए आरजेडी पर टूट पड़ा है। आरजेडी परिवारवाद से बाहर निकली नहीं है, वो पार्टी सिर्फ परिवार और अपने लोगों के बीच में रहना चाहती है। तो जो भी सम्मानित नेता है, जिनका भी अपने थोड़ा भी राजनीतिक जमीर है, वो आरजेडी जैसे पार्टी में नहीं रहने वाले। उन्हें सम्मान वहाँ नहीं मिल रहा था, उनकी उपेक्षा हो रही थी, जाकर के उतने सीनियर लीडर हैं, जाकर के उनको अच्छा सम्मान न मिलना, इसके वजह से उन्हें इस्तीफा दिया जाकर के है, उनका बेहतर कदम जाकर के है। बिहार में अगड़ी जातियों में आरजेडी को सबसे ज्यादा समर्थन राजपूत जाति से मिलता है और रघुवंश सिंह बड़े राजपूत नेता माने जाते हैं। सियासी गलियारों में उनके जेडीयू में शामिल होने की अटकलें तेज हैं।